हो, इस पानी में से तो गंदी बदबू आ रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर मौजूद इस लड़के ने पानी की बदबू से पहचान लिया कि वह बदबू बड़ी गंदी है। तो उसने किस चीज़ की मदद ली इस पानी को पहचानने में कि ये पानी गंदा है और इसमें से बदबू आ रही है? उसे ये पता लगा उसकी नाक के ज़रिए, जो उसकी सूंघने की शक्ति है उसके ज़रिए। क्या आपने भी कभी अपनी सूंघने की शक्ति का फ़ायदा उठाया है? उससे आपकी कोई मदद हुई है? तो दोस्तों, बताइए कि हमारी जो सूंघने की शक्ति होती है किन मौक़ों पर काम आती है? When do we find our sense of smell helpful? तो एक तो हमने देखा कि जैसे इस लड़के को उसके सूंघने की शक्ति काम आई, वैसे हमें भी कई बार खराब पानी में से बदबू आ जाती है और हम सूंघने की शक्ति की मदद से उसे पहचान लेते हैं। तो सूंघने की शक्ति काम आती है गंदा पानी पहचानने में, आइडेंटिफाइंग डर्टी वाटर। इसके अलावा ये देखिए, यह जो तस्वीर है, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर तो लगता है सिलेंडर में से गैस लीक हो रही है। तो हमारी सूंघने की जो शक्ति है वो सिलेंडर से गैस लीकेज की पहचान करने में भी मदद करती है, यानी कि आइडेंटिफाइंग गैस लीकेज फ्रॉम सिलेंडर। उसके अलावा यह देखिए, यहाँ पर इस लड़के को खाने में से बदबू आ रही है। तो कई बार जो हमारी सूंघने की शक्ति है वो हमें ख़राब खाना पहचानने में भी मदद करती है, आइडेंटिफाइंग स्टेल फूड, जो कि ख़राब हो चुका होता है पुराना खाना। तो दोस्तों, हमने देखा क्या? हमने देखा हमारी सूंघने की शक्ति जो होती है वो कई मौक़ों पर हमारे काम आती है। पर किन किन मौक़ों पर हमारी सूंघने की शक्ति काम आती है? हमने तीन मौके तो जाने, पर क्या इसके अलावा भी कभी हमारी सूंघने की शक्ति हमारे काम आती है? ज़रा सोचिए कब कब आपकी सूंघने की शक्ति आपके काम आई हो।